रेडी हो चुका है। घूम के लग जाएगा, पाइप ज़्यादा बढ़ जाएगा यार। सो गाइस, हमारा फाइनली इन्वर्टर भी लग चुका है। ये कटेगा थोड़ा सा पाइप, और आपको बता दूं कि हमारा एसी फाइनली लग चुका है, ये देखिए इस जगह पे। और रात को बहुत ठंड लगी हमें, मज़ा आ गया मतलब। वो आज हम कहीं जाएंगे तो वो सब ब्लॉग में बताएंगे, और अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी ये पी रही है जूस और मैंने बनाए हैं पोहे। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकलेंगे सिटी। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया बाहर के पोहे से भी 10 गुना बढ़िया, और यही बेस्ट रहते हैं। और आप भी घर पर बनाएं। और ये है एप्पल का मिक्स, एप्पल का नहीं रियल का मिक्स जूस। गाइस गुड इवनिंग। तो यार अभी भी इतनी धूप हो रही है कि मेरी शक्ल तो मुझे दिख भी नहीं रही, और ये देख लो इसकी शक्ल सही दिख रही है, धूप से मेरी शक्ल नहीं दिख रही है। और एसी वेसी लगवा के गाइस हम फ्री हो चुके हैं, क्योंकि हम 2 दिन से घर के काम से फ्री नहीं हो रहे थे। कल एसी वाला आया, फिर रात को पूरे घर की सफाई करी, फिर उसके बाद आज ढंग से पूरे घर में पोछा लगाया मैंने। पहली बार जिंदगी में इतने तरीके से पोछा, हाथों से पोछा लगा, इसने लगवाया मुझे हाथों से पोछा। पर हाथों से पोछा लगाने की एक बात है, पूरा घर एकदम मस्त हो जाता है एक बार में। और अब सारी एसी वाले ने एक काम तो अच्छा कर दिया कि वो जल्दी आ गया, नहीं तो हमारे नीचे वाले लोग जो पड़ोसी है वो कह रहे थे कि भाई 3-4 दिन से पहले नहीं आने वाला। पर शुक्र है आ गया, तो एसी वेसी लग गई क्योंकि इतनी गर्मी है। पहले कूलर लाए थे, कूलर हमने हमारे ऊपर ही सेल कर दिया, कहीं जाने के ऊपर ही ट्रांसफर कर दिया। हमारी सरिता जी ने हमारा कूलर खरीद लिया, और बढ़िया तरीके से सारे काम हो गए। और आज जा रहे सिटी, क्योंकि हमारे हॉल के लिए हमें कुछ पर्दे लेने हैं। जो हमारा हॉल है ना काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ के लिए हमें पर्दे लेने हैं, ताकि एसी की हवा वो अच्छे तरीके से मिले हमको। तो हम उसके लिए जा रहे सिटी, और हमें तो अपने घर भी जा रहा है अपनी मम्मी से मिलने। तो आज का ब्लॉग ऐसे रहेगा डेली रूटीन वाला। रास्ते चलते चलते इसको लगी भूख, तो गाड़ी तो गंदी हुई, गाड़ी को मत देखी। अभी ठेले पे रुकी है या अभी एक आम और केले ले रही है, और उसके बाद हम चलेंगे सीधे घर पे। और अभी हम आ चुके हैं ट्रांसपोर्ट नगर, चले। जो हम सामान लेने आए थे वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो कल तो रहा लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा। और हम आ गए हमारी सिटी के अंदर, और धूप भी इतनी है कि गाड़ी में भी हालत ख़राब हो रही है मेरी। सूरज मेरे सिर के ऊपर नाच रहा है, एनर्जी पूरे डाउन, और भीड़ भड़क कर रहेगा। ये छोटी चौपड़ आ गए हम ढूंढते ढूंढते, लेकिन मुझे पता है ये चांदपोल में मिलेगा, लेकिन चांदपोल जाने की मेरी बस की नहीं थी भीड़ के अंदर। यार मेरे को बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहे हैं। देखो गाइस बहुत भयंकर भीड़ है हर जगह पे, पता नहीं हर जगह पे पुलिस की चेक पोस्ट लगी हुई है। ये तो डर के मारे इसने वीडियो तो दिखाती नहीं है, बस ये डरने लग जाती है। और इतनी मुश्किल से मैं बचता बचता आया हूँ, पुलिस की बात नहीं है, गड्ढे वड्डे और फिर भीड़। एक गाड़ी जा रही है तो दूसरी निकलने नहीं दे रही मेरी गाड़ी को। अभी भी देख सकते हो आप कितनी भीड़ है, मेरे को कैसे कैसे चलाना पड़ रहा है, भीड़ बहुत तेज है। चलो मेरी शक्ल देख लो, खुदा ना खास्ता अब निकलने वाले थोड़ी देर में अपन यहाँ से, तो भीड़ से तो मुक्ति मिल गई अपन को। फाइनली अमित को आया गुस्सा, और अमित ने गुस्से में देखो गाड़ी इतनी स्पीड से भीड़ में से फूं 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 ऐसे निकाल दी, दिमाग खराब हो गया गाइस। और सब मेरी गाड़ी के पास हट गए, क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, उन्हें कपड़े खराब हुए तो जल्दी जल्दी सबने साइड दे दी है। और अभी हम पहुंच गए हैं जल में, नहीं 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 चुंगी बाबा पहुंच गए। जहाँ ब्लॉग में पहुंचते हैं ना उसी ब्लॉग में पहुंचे। और बताओ गाइस भीड़ पसंद है कि खुल्लापन? अभी फिर भीड़ मिल गई, ये देखो फिर भीड़ मिल गई, और अमित को फिर गुस्सा आ रहा। गाइस डॉगी कैसे मस्ती कर रहा है मेरे साथ, ए देख इधर, चल ए उठ, चल रे एक बार रुको, ओए गंदा ला हाथ, अरे ये देखो डॉगी कैसे मस्ती कर रहा है। हम फाइनली वापस मालवीय नगर आ गए, और इसने गाड़ी भी एकदम मस्त करवा ली है, धुलाई करवा ली है। मैंने आज खाना नहीं खाया है क्योंकि मेरे खाना खाने का मन नहीं कर रहा गर्मी में, तो मुझे साउथ इंडियन खाना है, तो मैं कहीं
पे डोसा ढूंढ रही हूँ, मिलेगा?